दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग मुर्गे को चिकन के नाम से जानते हैं और मांसाहारी लोगों को तो चिकन काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन आपने कभी मुर्गे को खाने के अलावा उसके बारे में कुछ बातें नोटिस की हैं? जी हाँ, सवाल यहाँ पर यह है कि मुर्गा आखिर सूर्योदय से पहले यानी कि सूरज निकलने से पहले बांग क्यों देता है और वो कभी लेट क्यों नहीं होता। तो आइए जानते हैं मुर्गे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। दरअसल आपने कभी मुर्गे को बांग देते हुए देखा है? मुर्गे घर से निकलते ही चारों तरफ देखते हैं, वो भी ध्यान से, फिर बांग देना शुरू करते हैं जिसे सुनकर दूसरे मुर्गे भी बाहर आकर बांग देने लगते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है मुर्गे के अंदर सर्किडियन यानी कि एक प्रकार का सेंसर पाया जाता है जिसके कारण मुर्गे को पता चल जाता है कि थोड़ी देर बाद सूरज निकलने वाला है और आपको जाना चाहिए कि ये सेंसर समय के साथ ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है जिसकी वजह से उम्र में सबसे बड़ा मुर्गा सबसे पहले बांग देता है। और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि मुर्गे की बांग की तीव्रता 143 डेसिबल होती है और इंसान 130 डेसिबल से ज्यादा तीव्रता वाली आवाज सुनकर बहरा हो जाता है। पर मुर्गे कभी इंसानों के पास खड़े होकर बांग नहीं देते। और ये भी जान लीजिए कि मुर्गे कभी इंसानों को जगाने के लिए बांग नहीं देते बल्कि अपने परिवार के दूसरे सदस्य को जगाने के लिए बांग देते हैं।